मिशन 2023 को लेकर कमलनाथ हर इलाके का दौरा कर रहे हैं और जीत का मंत्र कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। वहीं 20 जनवरी को कमलनाथ टीकमगढ़ में कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देंगे। 20 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के टीकमगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कमलनाथ अब टीकमगढ़ में कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देंगे। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला व टीकमगढ़ जिला प्रभारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि 20 तारीख को कमलनाथ की टीकमगढ़ यात्रा ऐतिहासिक रहेगी और इस नारे के साथ साल बदला है, सरकार बदलेंगे हमसे, कांग्रेस को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस बार निवाड़ी और टीकमगढ़ की 5 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के महंगाई, बेरोजगारी, गुंडागर्दी और कांग्रेसियों पर किए फर्जी मुकदमे के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और आने वाले चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेगी। हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी और मध्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा से संबंधित एक नया कंसेप्ट उनके द्वारा लाया गया है। कमलनाथ जी के द्वारा बूथ से लेके सेक्टर, सेक्टर से लेके मंडल, ब्लॉक और जिला, इस बार सबसे अधिक जो हमने वजन दिया है वो मंडल, सेक्टर और ब्लॉक से है कि हमारी कांग्रेस अगर कहीं जमीन पर कमजोर ना रहे। ऐसा है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी ने महात्मा गांधी को छोड़, महात्मा गांधी के की यात्रा के बाद आज तक किसी ने इतनी लंबी यात्रा पैदल बोली, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है भारत में। राहुल गांधी ने, जिसको लोग बाग ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी किसी चीज को अंजाम तक नहीं पहुंच जाते हैं, उनने यात्रा करके जिन राहुल गांधी को सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी वाले पूछते थे, उन्हें ये सिद्ध कर दिया कि एकमात्र वही नेता है जनता उनकी तरफ जो है बहुत ही मतलब इसलिए नजर से देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस देश के अंदर कुछ बदलाव करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।